अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ईद की तैयारियां हो रही होंगी, ईद के दिन आ गए हैं, बड़े बड़े दिन हैं, और सब बकरे और गायें और सब आ गई होंगी या फिर कुर्बानी बाहर करवा ली होगी जहाँ आपके वाले। चले फिर जो है इनमें बड़े अच्छे अच्छे खाने पकाने की तैयारी हो रही होगी ना, तो हम भी आज आपके लिए बहुत मज़े की अच्छी सी रेसिपी लाएँ, इसको ट्राई ज़रूर करना। यह है पाए, गोट के पाए हैं मैं लेकर आई हूँ और बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बनाती रहती हूँ और इसको आप ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपने कर लिया है तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, फिर भी लाइक करना और शेयर करना। और चलें आप बताते हैं कि क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। हमारे पास ये जो 2 किलो यानी ऑलमोस्ट लिटिल बिट लेस टू 2 किलो ये पाए हैं, 4 पाए हैं गोट के, वो मैंने इसमें धो के अच्छे साफ़ सुथरे करके रखा है, लेकिन मैंने स्किन के साथ लिए, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इसके बाद 3 टोमेटो मीडियम साइज़ के छोटे टोमेटो, इसके मैंने ब्लेंड करके हमेशा प्यूरी बना लेती हूँ, बना लिए। मैंने अनियन जो है 2 मीडियम साइज़ के काट के इसको मैंने सोते कर लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए, बिल्कुल रेड नहीं करी, सोते कर लिया तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा। और एक जो है प्याज जो मैंने इसको रेड करके भी कर रखा हुआ है टेस्ट के लिए। कड़ी पत्ते जो है 2 चम्मच है टेबल स्पून, इसमें बड़े मज़े के अच्छे लगते हैं। इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, 1-1.5 स्पून डालूंगी। तो इसमें साथ में रखा है 1.5 स्पून सूखा हुआ धनिया जो है पिसा भुना धोया सूखा है। ये जो है मेरा पाए का मसाला जो कि मैं घर में बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये इसके 2 चम्मच डालूंगी। ये आधा चम्मच गरम मसाले का डालूंगी, 1.5 चम्मच जो है हल्दी का डालूंगी, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का डालूंगी, 2 चम्मच जो है मोटी मोटी ये क्रश पेपर डाल दूंगी, 1 चम्मच जो है ओनली मैं डालूंगी ये नमक का, क्योंकि इसमें सब में नमक है। यहाँ पर जो जो मैंने मसाले पीसे हुए हैं ना, जो कि जिसको 2 चम्मच बनाया, इसमें मैंने ये 2 बेल लीफ दिए थे, और इसमें जो है 1 टी स्पून जो है सौंफ लिया था, 4-5 रेड पेपर ले ली थी, और ये 2 जो है बड़ी काली मिर्च काली क्या कहते हैं कार्डियमल ले ली थी, 5 जो है छोटी कार्डियमल ली थी, और 1 तेजपात ये सिनेमन का टुकड़ा ले लिया था, 6 जो है 4-6 लौंग थी, और 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर थी, और ये 1 टी स्पून जो है भुना हुआ साबुत धनिया, 1 टी स्पून सौंफ, ये सब डाल के और जब ये जाफे के छोटे छोटे टुकड़े डाल के मैंने इसको पीस के इसका मसाला जो बना के रखा है ये, और ये इसका मसाला ताकि मुझे अलग अलग टाइम हमारा बच जाए। लेकिन इसको खड़ा मसाला मैं इसमें डालूंगी तो इसी में से निकाल के डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा ये, ताकि मैंने इसके लिए ये आपको दिखाने के लिए रखा था कि मैंने क्या पीस के रखा है। चले फिर अब पकाने जा रहे हैं। हाँ, हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप, और ये धनिया पत्ती जो है ऊपर छिड़केंगे, और ऊपर लेमन जूस छिड़केंगे 2 चम्मच, और 1 चम्मच जो है साइडर विनेगर, बस ये चीज़ें हमारी चाहिएंगी। ठीक है, अपनी कड़ी पत्ते डालूँगी, डाल दिए और जो ये प्याज जो मैंने आपको कहा था सोते करके लोग डाल दिए ताकि जो हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, इसे मैंने पहले सोते कर लिया था। अच्छा, ये प्याज भी जा रही है, तो 2 मीडियम साइज की प्याज चाहिए जो आपको दिखाई दी। देखिए जल्दी से हो जाएगा ना, वरना प्याज को लगने में ज़्यादा देर होती है। मैं ये एक चीज़ ऑप्शनल है, मैं दही भी डालती हूँ आखिर में, टमाटर के साथ 2 चम्मच दही डालती हूँ, ये ऑप्शनल है, जिसको डालना आपको अच्छा लगे तो एंड में डालती हूँ। और दूसरी बात, ये 2 टेबल स्पून मैं बेसन डालती हूँ उसमें, इसका ऐसे टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा मज़ा इसका मज़ा बनता है, अच्छा बहुत लगता है। अब जो है मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देती हूँ, सब चीज़ें सारा मसाला इसमें चला जाए जल्दी जल्दी। हल्दी जो है मैंने ज़्यादा डाली है, 1.5 चम्मच हल्दी, और ये मेरा प्याज का मसाला जो कि मैंने आपको दिखा दिया था, ये नमक, ये रेड पेपर, क्योंकि हमारे ये जो है ना क्वांटिटी इसकी ज़्यादा, गरम मसाला ऊपर डालेंगे और हमारी ये खत्म करते हैं। टमाटर को मैं हमेशा आखिर में डालती हूँ, टमाटर के प्यूरी को जलने में ज़रा मुसीबत करता है, थोड़ा सा इसमें पानी की हमें ज़रूरत होती है तो उसको डाल देते हैं ताकि मसाला हमारा जल ना जाए।
बहुत अच्छा ये बनते हैं, बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है, खाने में बहुत मज़ा देता है। और अब जो है इसमें 2 टेबल स्पून मैं ये बेसन डालती हूँ, मैंने आपको बताया ना कि ये ऑप्शनल है। अब जो है इस स्टेज पर मैं इस बायो को डाल देती हूँ, फिर ऊपर से थोड़ा पानी डालूँगी, इसको थोड़ी सी बुनाई करूँगी। मैं कुकर में पकाऊँगी, इसमें मुझे प्रेशर कुकर में, इलेक्ट्रिक का प्रेशर कुकर, इसमें ज़्यादा नहीं प्रेशर कुकर, इसमें मुझे मोर देन आवर लगेगा। लेकिन आपके पास कुकर नहीं है तो आपके 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे पकने में, लेकिन पक जाएगा, अच्छे बन जाएंगे। हम जो कुकर में डाल देंगे ताकि पहले भुनाई करके, मैं पहले हमेशा भुनाई करके फिर डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा ताकि ये मसाला मिक्स हो जाए और थोड़ा भून जाए। मैंने 1/2 कप पानी डाला है, मैंने 3 इस छोटा सा जगह इसमें 3 कप भर के रखे हैं मैंने, क्योंकि मुझे ऊपर डालना पड़ेगा ना पानी। देखो प्याज को सोते करके रखा था ना, प्याज सोवाना आदमी उसको ब्लेंड करके भी रख लेते हैं कच्ची प्याज, लेकिन मुझे कच्चा प्याज नहीं, मैं थोड़ा सा सोते कर लेती हूँ। ऊपर से भी थोड़ी रेड अनियन डालूँगी, उसके बहुत अच्छा चिपचिपापन हो जाता है मजे का। मैंने तो हमारे हिसाब से रेड पेपर ली है, वैसे तो बहुत तेज़ खाते, लेकिन मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, गरम मसाला भी और फाया का मसाला भी। अगर आपको ज़्यादा तेज़ खानी हो तो आप, मैंने 1.5 चम्मच डाली रेड पेपर, आप 2.5 चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि फाया बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे हमें सही हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कोई लोग बहुत तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लो। तो फुल फ्लेम पर पका रही हूँ, जल्दी से थोड़ा सा रेड हो जाए पाए। अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, अच्छा मज़े का सालन बन जाएगा पाए का, तो बोलते पाए में गए। और दूसरी बात ये कि मैं एंड में जब ये पाए पक जाएंगे, प्रेशर कुकर से उतरें खोल दें कि दिखा दूँगी मैं आपको, इसके बाद जब मैं इसे लेमन जूस डालूँगी 2 चम्मच और 1.5 चम्मच मैं प्रसाद विनेगर डालूँगी और थोड़ा धनिया जो मैं अंदर डालूँगी उसको, तो क्योंकि बाद निकलेगा तो उसको थोड़ा हमें दम देना होगा थोड़ा सा, ताकि ऑयल सब ऊपर आ जाए। और फिर इसके बाद डिश आउट करेंगे तो मैं इसको सिर्फ धनिया पत्ती और उससे जूलियन कटी हुई जिंजर और लेमन के टुकड़ों से इसको गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर डालूँगी। हाँ, उतारने से पहले मैं 2 चम्मच दही के डालूँगी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालें, लेकिन टमाटर मैं भी थोड़ी देर के बाद डालूँगी। टमाटर तो एक चीज़ तो डालनी होगी आपकी, इधर आप दही डालें तो खाली आपको दही वाला पकाना है तो 1 कप दही चाहिए होगा फोर टोटल। मुझे जो है ना दही ने मुझे टमाटर चाहिए थी, तो मैंने 3 टमाटर के लिए, लेकिन 2 चम्मच आखिर में दही डालूंगी तो उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो हर एक अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको खाली दही वाला बनाना है तो 1 कप दही चाहिए होगा। लेकिन अब जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके हम अपने टमाटर साथ डाल देते हैं। 3 टमाटर है जिसकी मैंने ठीक है ब्लेंड करके रख दिया था, ताकि जो है इसको हमारा रंग थोड़ा बच जाए, जल्दी पक जाए। अब देखें फिर खुशबू आने लगी, और मैंने मसाले में जो आपको दिखाया था क्या कुछ नहीं, मैंने ताज़ा मसाला पीसा तो वो आपको दिखा भी दिया, कच्चा रखा था, अगर आपको पता चले कि मैं कुछ और नहीं डालती, वही घर के मसालों से डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब मिला के। और कभी मौका बना तो मैं पूरा मसाला जो है, चाहे निहारी का पाए का अलग अलग रेसिपी मैं अपलोड करूँगी बना के अलग पीस के, लेकिन अभी तो मुझे ज़रूरत थी, उसी वक्त मैंने फ़ौरन ताज़ा ताज़ा बनाया और आप लोगों के लिए थोड़ा निकाल के रख दिया ताकि आपको दिखा सकें हमने क्या डाला था। अभी इसका ऑयल नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऑयल सामने आ जाएगा। बस इसका भी तो मुझे जो है ना थोड़ी देर में इसको पकाती हूँ, फिर इसके बाद प्रेशर कुकर में डालूँगी। पाए की बुनाई हो गई है, बुनाई कर रही कंटिन्यू, फिर बंद कर दिया था ताकि आप लोग जो है वेट ना कर सकें,
अभी जो है पाए की भुनाई मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, तो 5 से 6 मिनट 7-6 मिनट तो हो ही गए होंगे, 6-7 मिनट। अब इसमें मैंने आपसे कहा था ना कि मैं 2 मीडियम साइज़ और 1 मैं तली हुई प्याज डालूँगी, ये मीडियम साइज़ की है, वो भी इसमें चली गई। और अब जो है अब ये मेरा थोड़ा पाया का बैटर जो है मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें मेरे प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर को मोर देन आवर मुझे रखना होगा ताकि ये बन जाए पूरा गल जाए, क्योंकि मैंने अभी भी स्टीम पाए नहीं है जो कि बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन इनको पकने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, तो टेस्टी बहुत होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। फिर आखिर में जो है जब प्रेशर कुकर खुलेगा तो हम 2 चम्मच जो है घी के डालेंगे, इसको तड़का लगाएंगे, वो सब आपको बाद में बताएंगे। हम आपके सामने इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चूल्हे को हमने ऑफ करना है यहाँ से, ताकि हम जो है वो अपना ये इसको ट्रांसफ़र करें, इसके स्विच को निकाल के अपने प्रेशर कुकर को लगाएंगे अब इसके इसकी जगह पर। देखिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमने पाए को ट्रांसफ़र कर लिया है, उसमें भून के आपके सामने अब ये प्रेशर कुकर में पाए को सारा ट्रांसफ़र कर लिया है आपके सामने। जो है एक छोटी सी मीडियम रेड प्याज जो है वो भी इसमें डाल दी, और सारे मसाले चले गए एक्सेप्ट थोड़ा सा गरम मसाला और चाट का मसाला वो नहीं डाला, बाकी सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। और जो है इसमें मैं इसको 3 ग्लास पानी के डाले हैं, और आखिर में 2 चम्मच घी के डालूँगी, क्योंकि मैंने हाफ कप से भी आधा हाफ कप से भी उससे तेल कम डाला है, तो 2 चम्मच घी में डालूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप पूरा घी में पकाएं या ऐसे इसको जो है, अब मैंने कहा ना कि मोर देन आवर इसको लगेगा इसको पकने में, अब मैं इसको पहले सेट करके रख देती हूँ, तो ये तैयार हो, ये पकना शुरू हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम इसको सेट करते हैं प्लस में, साइन है मीट को पहले प्लस करेंगे, ये 80 में मैंने रख दिया। अब ये इंशाल्लाह ताला पक जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो है क्या पाए की क्या सिचुएशन। इतनी जल्दी अगर करके रखो तो फटाफट बन जाता है, पाए हैं तो मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये कि बड़े मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, इसके लिए कुछ थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इसको जो है सारी चीज़ें अगर तैयार कर ली तो फटाफट बन गया, दूसरा काम भी, ये चूल्हे इस पर रखा हुआ है और इसको ज़रा नज़र करते रहेंगे और ये पक जाएगा। भुनने में भी आपने देखा मैंने प्याज को सोते कर लिया था, तो उसमें भी भुनने में देर नहीं लगी, मैंने मसाले भी आपके सामने पीस के रखे थे खड़े मसाले भी, वो भी बता दिया, क्योंकि हर चीज़ उसे फ्रेश डाली है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैं मोस्टली जो फ्रेश मेरा होता है कटा हुआ, रोज़ का पकाना होता है तो रख देते हैं, और जो हरी मिर्च जो हर चीज़ में चाहिए होती है, कचुम्बर बनाओ कुछ भी बनाओ तो उसमें, तो वो भी रख दी सारी चीज़ें। अब जो है ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब खाली जो है पाए तैयार हो जाएंगे, तो हमें इसको तड़का लगाना होगा। तड़का लगाने भी ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं लगाऊंगी तड़का लगाएंगे, इसमें घी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऊपर से रेड पेपर डालेंगे और चाट का मसाला और दही डालेंगे, पाए रेडी हो जाएंगे। चले फिर अभी मिलते हैं, जब हमारे पाए रेडी हो जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि पाए की सिचुएशन क्या है। ठीक है, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मैं प्रेशर कुकर से निकाल के इस पर रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए पक रहा था ये, अब इसमें जो बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत अच्छी तरह गल भी चुका है माशाल्लाह, और कितने अच्छे हो गए देखें। अब मैं इसमें थोड़ी सी, मैंने कहा ये ऑप्शन, थोड़ी सी दही डाल देती हूँ, ये 4 चम्मच है, इसमें लाल रखमान रही दही चली गई। अब इसमें बिल्कुल ही हमारा रेडी है, आपको नज़र आ रहा होगा इतना सारा पाया है, तो ज़रूर बनाना, बहुत मज़े के हैं। बल्कि मसाला बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छी ग्रेवी भी है, नमक मिर्ची सब चीज़ अच्छी हो गई है, और इसमें जो है इसको ब्रिश आउट कर देंगे इसमें अंदर, और गल भी गया, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें निकाल के स्किन के साथ, देखें इसकी हालत, देखें दही वाला है लेकिन मैं खा लूँगी, बिल्कुल टूट रहा है, देखें बिल्कुल टूट चुका है। अब जो है मैं इसको निकालूंगी उसके अंदर, और ऊपर से जो है धनिया और ये थोड़ी सी चीज़ें छिड़क देंगे, थोड़ी मैं इसमें अभी जूनियन ये अदरक डाल देती हूँ, तो बाकी जो है डिश आउट कर लेते हैं, और आपको इसको ट्राई ज़रूर करना,
ज़रूर ज़रूर इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बने, बहुत अच्छे बने, ना ज़्यादा मेरे अच्छे कितनी जो है, मैंने हाफ कप ऑयल लाया था, सारा ऑयल भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं वापस, क्योंकि ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का जो प्रेशर कुकर है ना, इसमें जो है ऑयल जल्दी ख़राब नहीं होता, फौरन ऊपर आ जाता है। मैं इसको ऑयल में निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ पूरा, और ऊपर खाने के लिए बैठो तो थोड़ा सा छिड़कना हो अगर अच्छा लगे देखने में शो में तो अलग बात है। तो मज़े का पाए बन चुके हैं, हम इसको डिश आउट कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। और जो दुआ में याद रखना, और डिश हमें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, और जो है दुआ में याद रखना, और फिर नहीं मेरे वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।